चलो अब बात करते हैं देश के बजट के बारे में। अगर आप नॉर्मली न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने अब तक बजट की हेडलाइंस तो सुनी ली होंगी कि भाई इनकम टैक्स स्लैब 5 लाख से 7 लाख कर दिया है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हो गए हैं, सुट्टा महंगा हो गया है। शिट। देखो अगर आपको बजट का ब्रेकडाउन जानना है तो वो आपको कोई फाइनेंस चैनल ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। मैं आपको बजट का सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि बजट ऐसा क्यों है। देखो इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे, ग्रोथ रुकी हुई है, काफी देश रिसेशन में जा चुके हैं, और जब भी कोई सरकार एक बजट बनाती है तो वो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करती है कि भाई व्यापार कितना होगा, उस हिसाब से अपना बजट बनाते हैं। आप घर पे ही मेथड फॉलो करते हैं और देश के मामले में भी ऐसे ही मेथड फॉलो होता है, मतलब दुकान उसी हिसाब से चलाओगे ना जिस हिसाब से ग्राहकी होगी। तो इस वाले बजट में आपको कोई बहुत बोल्ड मूव नहीं दिखेगा। ये काफी एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए काफी मीडियम मद्दा सा बजट है। और अगर कोई फाइनेंस में नया है तो देखो ये बीजेपी सरकार का बजट है जो अमूमन एक कैपिटलिस्ट सरकार मानी जाती है। बोलते नहीं है कि अमृतकाल आएगा, तो ये ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पुश करेंगे, इसीलिए इन्होंने कैपेक्स बढ़ा दिया है और ये सोशल स्कीम से पैसा निकालकर बाकी और स्कीम्स में लगाएंगे। जैसे कि मनरेगा का बजट घटाकर इन्होंने पीएम आवास योजना में ज्यादा फंडिंग दी है। अब उस पे एक वैलिड क्रिटिसिज्म ये है कि इस टाइम पे जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो मनरेगा से बजट हटाने का ज्यादा सेंस बनता नहीं है, बट थोड़ा इलेक्शन का भी स्पाइस है इस सब में। लेकिन प्रो टिप देता हूं, अगर बजट का बेस्ट एनालिसिस चाहिए तो कोई भी चाय की टपरी पर चले जाओ और ये मुद्दा छेड़ दो। एकदम मद्दा बजट है भाई साहब। अरे सिगरेट पे टैक्स बढ़ा रहे तो कम से कम गुटखा पे कम तो करो, है? आम आदमी कैसे अपना गुजारा पानी करे। पर भाई साहब कांग्रेस से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। ये तो सही बात है आपकी। एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और न्यूज एंटरटेनिंग तरीके से देखने के लिए मुझसे मिलिए हर संडे 9 बजे संडे शो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।